Assalamualaikum. This is me, Rafiqa Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. So again, I'm here with my new YouTube video. आज की वीडियो बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम सब जा रहे हैं फार्म हाउस काफी टाइम बाद. फैमिली के साथ प्लान बना है फार्म हाउस जाने का, तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए, अपने फैंस से शेयर कर लिया जाए और बता दिया जाए कि हम क्या करने वाले हैं, क्या होने जा रहा है और क्या नहीं. मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफी टाइम बाद फैमिली गैदरिंग हो रही है, तो इसलिए बाकी हमने रात में ही प्लानिंग करना शुरू की थी कि हम सुबह फार्म हाउस चलते हैं. ऑलरेडी बस ऐसी बात हुई थी, लेकिन अचानक जो है वो डन हो गया, प्लान बन गया. काफी बज रहे हैं 7, हम निकलेंगे 8 बजे तक इंशाल्लाह ताला. सो रेडी होके आप लोगों से मिलती हूँ उसे आगे पाछे. सो गाइस, आई एम रेडी और बहुत ज्यादा देर हो चुकी है. आप लोग देख सकते हैं टाइम क्या हो रहा है, 8 बज गए हैं और हमें जल्दी से निकलना है, तो फिर वहां पहुंच के आप लोगों से मिलते हैं. हम लोग पहुंच गए फार्म हाउस काफी देर बाद. इतना लंबा सफर था कि मैं आपको क्या बताऊं, गाड़ी में बैठे बैठे हम थक गए हैं, लेकिन अब फाइनली हम पहुंच गए. अब मैं आपको दिखाती हूं यहां का फार्म हाउस. ये देख सकते हैं आप लोग, वाओ यार. सबसे मजे की बात यहां का जो मौसम हो रहा है ना, मतलब आप ऊपर देखे ऐसा लग रहा है कॉटन कैंडी जो है वो रखी हुई है, इतना प्यारा लग रहा है. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. सो आई जस्ट क्लिक सम फोटोज, सो लेट मी शो यू गाइस. वहाँ चलना अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है और मेरे साथ हैं ये आयशा राहील, और ये भी बेचारी मेरी तरह जो है वो गर्मी में बैठी हुई है. आप ना, आपको कैसा लग रहा है इतने टाइम बाद पिकनिक में आई है? खुशी वुशी नहीं है? Not that much. वो आपकी शक्ल से लग रहा है, आपके अल्फाजों से लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं है. अभी हम वैसे सोच रहे हैं कि हम पूल में चले जाएं. What says आयशा? अभी हाँ, मौसम तो काफी अच्छा है. मौसम काफी अच्छा है, अभी मैं आपको दिखा दूँ मौसम कैसा है. नहीं अभी धूप बहुत ही, बट यू नो हम आए तो यू नो मौसम खुद ब खुद अच्छा हो, खुद ब खुद अच्छा हो गया. इनको पता था मैं आ रही हूँ. खैर अभी हम पूल के लिए रेडी होते हैं और फिर देखते हैं कि सूरत हाल है पूल में जाने की या फिर नहीं. पूल में कचरा है. अक्सर ऐसा होता है कि स्विमिंग पूल में आपका पैर में वो बाटा कुछ आ जाता है, ऐसा आप लोगों के साथ होता है? अगर होता है तो लेकिन कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेजोरिटी के साथ ऐसा होता है और हमारे साथ तो बिल्कुल ऐसा होता ही है, है ना. खैर अब देखते हैं कि क्या सीन बनता है. ये सारे बच्चे जो है वो स्विमिंग पूल में जा चुके हैं. वो जा रही है मम्मा, वहाँ बच्चे जो है वो नहा रहे हैं, यहाँ पे बड़े लोग नहा रहे हैं, यहाँ से व्यू है और मौसम का तो कुछ अता पता नहीं है. धोखे पे धोखे, धोखे पे धोखे, धोखे पे धोखे, मगर क्यों दी जा रहे. मम्मा मम्मा सब आपको देख रहे हैं, तैयारी लग रही है, आप तो फुल तैयार हो गई स्विमिंग पूल में जाने के लिए. मैं जाने के लिए रेडी हुई हूँ, इससे पहले भी मैं बहुत प्यारी लग रही थी, मगर किसी ने भी नहीं लिया मुझे. किसी ने क्या मतलब, ये आपकी बेटी ने नहीं लिया? ने लिया ही नहीं उससे पहले, ना मेरी तस्वीर बनी ना मुझे व्लॉग में लिया. अब मैं जब पूल के कपड़ों में आ गई फिर मुझे लिया जा. अम्मा की शिकवे गले स्टार्ट हो गए. हाँ बिल्कुल. मम्मा आपने गर्मी देखी, कितनी गर्मी हुई थी, मैं कैसे व्लॉग में नहीं थी आपको? अच्छा नहीं, अब मौसम अच्छा होता जा रहा है, देखते हैं कि आगे कैसा होता है. मौसम हो गया, पूल में जाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है. जी चले आप पूल में जाए. मैं बच्चों के पास चलती हूँ. अच्छा कोई स्लाइड नहीं करेगा.
फर्ज हो गए। बारिश का सिलसिला जारी हो चुका है और क्या बारिश हो रही है, हाय अल्लाह। सुबह जितनी धूप थी ना, और अब जो है ना मौसम देखिए इतनी खुशी मिले कि आपको क्या। गाइस हम लोग बहुत ज्यादा नहाने के बाद आ गए हैं रूम में, इतनी ज्यादा थकन हो गई है बच्चे, एक तो ये रोना धोना चिल्लाना शादी सा। और जैसे ही हम कमरे में आए वैसे ही इतना चिल रूम हो रहा था, इतना चिल कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना तेजी से चल रहा है और मुझे डर लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब ना हो जाए क्योंकि मुझे फ्लू फ्लू हल्का हल्का शुरू हो। महीर आपको मजा आया स्विमिंग पूल में? आप डूब भी तो गए थे बताएं। मेरा बच्चा गिर गया था और इतना ज्यादा रो रहा था, इतना ज्यादा मैं आप लोगों को क्या बताऊं। सबकी जाने की तैयारी है, एक बच्चा यहाँ सो रहा है, एक बच्चा वहां सो रहा है। अच्छा मौसम हो गया, आप भी तो देखो। लेकिन मुझे पता है डर ये है कि वो रात को जो परवानों वाला सीन ना हो, याद है हम एक बार आए थे परवाने ही परवाने। मज़ेदार सा व्लॉग। रात को मैं जब आई थी तो मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी कि मैं आते ही सो गई थी और इसलिए मैं बना नहीं सकी एंडिंग पार्ट। फिर मैं सोचा क्यों ना उठते के साथ ही बना लिया जाए, तो इसलिए मैं अभी शूट कर रही हूँ। बाकी आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपकी रबीका आशिफ खान मिल जाएंगी अपनी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। और आई नो मैं बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रही हूँ इस मंथ, लेकिन इंशाल्लाह सून मैं एक्टिव हो जाऊँगी। बिजी शेड्यूल था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे काम थे, ऊपर से बारिश वगैरह हर चीज़ बहुत ज़्यादा पेंडिंग पर थी, इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाई। लेकिन सून मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगी जैसे पहले मैं थी। तो जब तक जाके लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।